पदार्पण हुआ है तो हमें यह जानना है कि हम जीवन में असली इंसान बन पाए या नहीं बन पाए। राजा बनना मुश्किल है, संत बनना कठिन है, साधक बनना कठिन है, धार्मिक बनना कठिन है, सज्जन बनना कठिन है, लेकिन मैं कहता हूं समझ लेना, हमें अपने आप को तलाशना है, अपने आप को देखना है, अपने जीवन के ऊपर हमें दृष्टिपात करना, हमारे जीवन को ऑब्जर्व करना है कि हम जीवन में असली इंसान बन पाए या नहीं बन पाए। असली इंसान की परिभाषा क्या, किसको कहा जाए इंसान? संसार में हजारों लोग रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं, हजारों लोग का जन्म होता है, लाखों लोग रोज मर जाते हैं, 700-750 करोड़ लोग ये संसार में मौजूद है, लेकिन हमें अपने आप को ये सवाल पूछना चाहिए कि हम ये मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद, ये मानव जीवन प्राप्त करने के बाद, इंसान बनने के बाद, हम सही मायने में इंसान बन पाए या नहीं बन पाए। जीवन में हमने आगे किया क्या? संसार में हजारों लोग रोज आते हैं, वही बचपन में खेलना, वही यौवन अवस्था में कमाना, वही प्रौढ़ अवस्था में चिंता करना, बच्चों का पालन पोषण करना, परिवार की व्यवस्था जमाना, वही वृद्ध अवस्था में दुखी होना, परेशान होना, रोग का घर बनाना, और वही मृत्यु अवस्था में रोते रोते चले जाना। लाखों लोग यही करते संसार, ऐसे ही तो जीवन चलता है। आप देखिएगा अपने आसपास में हजारों लाखों लोग ऐसे हो गए जिसका जीवन ऐसे ही चलता है, आए और चले गए, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह आती है, प्रतिदिन सुबह सूर्योदय निकलता है, दिन के 24 घंटे हमारे कम हो जाते हैं, जीवन के हमारे 24 घंटे कम हो जाते हैं, हम खुशी के साथ आनंद के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जीवन में हमने किया क्या, जीवन में हमने पाया क्या? और इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये साम्न विद्यान तपोन दानम, न ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्मम, भृत्य लोके भविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आचार्य चाणक्य को जब पूछा गया कि इंसान की परिभाषा क्या, इंसान किसको कहा जाए, कहा कि येषां न विद्यान तपोन ज्ञानम, कहा कि जिसके पास कोई विद्या नहीं, जिसके पास कोई तप नहीं, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं, न दानम न शीलम न गुणम न धर्मम, कहा कि जिसके पास न दान देने की ताकत है, जिसके पास शील संस्कार सदाचार जीवन में नहीं है, जिसके जीवन में कोई अच्छे गुण नहीं है, और जिसके जीवन में धर्म नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो इंसान के शरीर में समझ लो मृग यानी पशु यहां संसार में विचर रहे हैं, और ऐसे पशुओं से संसार भरा हुआ है। न विद्या न दान न ज्ञान न गुण न धर्म न शील कुछ जीवन में न हो, फिर हम कहे गए इंसान, फिर हमारे में इंसानियत कहां है, फिर हम इंसान कैसे कहलाए जाए? जब परमात्मा ने इतना उत्तम ये शरीर दिया, परमात्मा ने इतना उत्तम ये जीवन दिया, अरे हमारे यहां कहा गया कि समझ लेना ये बार बार नहीं, ऐसो जन्म बार बार, ये बार बार ये जन्म नहीं मिलता, बार बार ये मनुष्य जीवन नहीं मिलता, बार बार ये मनुष्य की जिंदगानी नहीं मिलती। और मात्र जैन धर्म कहता है ऐसा नहीं, संसार के सारे धर्म ये प्रूफ करते हैं, संसार के सारे धर्म ये कहते हैं कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी मेहनत से मिलता है, बड़ा जब पुण्योदय होता है तब मिलता है। मनुष्य जन्म मिल जाए, धर्म मिल जाए, अच्छा माहौल मिल जाए, बचपन से संस्कार अच्छे मिल जाए, आर्य भूमि मिल जाए, उसके बाद में भी हम विद्या में, दान में, कहीं ना कहीं ज्ञान में, कहीं ना कहीं सदाचार में, कहीं ना कहीं गुण में, कहीं ना कहीं धर्म में हमारा जरा भी इन्वेस्ट ना हो, हमारा जरा भी इंटरेस्ट ना हो, तो समझ लेना हम मनुष्य नहीं है, हम पशु है। अपने आप को इस सवाल करना कि क्या हम इंसान बन पाए। मैं कहता हूं सज्जन बनना बड़ी मुश्किल बात है, धार्मिक बनना बड़ी मुश्किल बात है, साधु बनना बड़ी मुश्किल बात है, संत बनना बड़ी मुश्किल बात है, महापुरुष बनना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन हमारे लिए तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि हम जीवन में इंसान बन पाए या नहीं बन पाए। रात को सोने से पहले एक बार सोचना कि जीवन में ऐसा कौन सा कर्म है जो मुझे इंसान बनाता है, क्या मेरे भीतर ज्ञान की ताकत है, क्या मेरे भीतर दान देने की ताकत है, क्या मेरे भीतर तप करने की ताकत है, क्या मेरे भीतर कहीं ना कहीं किसी के लिए अच्छा करने की ताकत है, मेरे भीतर कहीं ना कहीं धर्म रहा हुआ है, तो समझना हम अपने आप में खुद को इंसान कहे, वरना हम इंसान के रूप में पशु है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं समझिएगा, जीवन अद्भुत है, जीवन गजब का है, जीवन महत्वपूर्ण है, और यह जीवन हमें वेस्ट नहीं करना, यह जीवन हमें बर्बाद नहीं करना, यह जीवन हमें बार बार नहीं मिलेगा, निश्चित तौर पर समझना। आप ये भ्रम में मत रहना कि बारी बारी हमें मनुष्य जन्म मिलता रहेगा, बड़ी मुश्किल से बड़े पुण्योदय के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं आज जब गुरुदेव का पावन पदार्पण इस संध्या ग्रीन्स परिवार के आंगन पे हुआ है, और तब मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर समझिएगा, जीवन को सफल बनाना है तो कहीं ना कहीं जागना पड़ेगा। हम सो रहे हैं, हम मोह निद्रा में सो रहे हैं, कोई धन के पीछे लगा हुआ है, कोई शरीर के पीछे लगा हुआ है,
कोई पैसे कमाने में लगा हुआ है, कोई क्रेडिट बनाने में लगा हुआ है, कोई इज्जत खड़ी करने में लगा हुआ है, कोई सत्ता के पीछे भाग रहा है, कोई परिवार को संभाल के संभालते अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। अरे समझिएगा, यदि हम इंसान है तो कुछ अच्छा सोचे, कुछ जीवन में जागे, कुछ स्वयं को जाने, कुछ करने की कोशिश करे, वरना ये सब काम तो पशु भी कर लेते हैं। एक पंखी, एक पक्षी सुबह निकलता है अपने परिवार के लिए दाना पानी इकट्ठा करने के लिए, पूरा दिन घूमता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, शाम को आता है अपने परिवार को दाना पानी देता है, एक छोटा सा घोंसला बना लेता है, एक छोटा सा घर बना लेता है, थोड़ा समय परिवार के साथ बिता लेता है। यही तो पशु का जीवन है, यही तो पंखियों का जीवन है, यही तो पक्षियों का जीवन, और हमारा भी जीवन यदि यही है तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि फिर इंसान में और पशु में डिफरेंट कहां रहे, कहां पता चलेगा कि हम इंसान है, हमें जागना पड़ेगा। और इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा कि समझ लेना जीवन में ये सात चीज में से एक भी चीज में हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हम समझ लेना हम इंसान नहीं, हम पशु है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, कहा कि ऐसे लोगों से पृथ्वी भरी हुई है, ऐसे लोगों के भार से पृथ्वी दब रही है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, इंसान के रूप में ये सभी पशु। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।